बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने प्रीवियसली एसक्यूएल का जो कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल बनाई थी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आज हम थोड़ा सा आगे उसको बढ़ाएंगे यूजिंग द w3schools.com। ये इंट्रोडक्शन हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि एसक्यूएल क्या होता है, हम इसमें कैसे काम करते हैं, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, RDBMS क्या होता है। ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम आज से दूसरा जो अपना ट्यूटोरियल है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा जो ऑप्शन इसमें या इसमें क्यूरी या हम कह सकते हैं कि टॉपिक जो है वो एसक्यूएल का सेंटेक्स होता है। सेंटेक्स होता है वो जो हिदायत टाइप की जाती हैं उसको सेंटेक्स कहा जाता है एसक्यूएल का। डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस टेबल्स क्या होती हैं? डेटाबेस मोस्ट ऑफन कंटेन्स वन और मोर टेबल्स। एक डेटाबेस में एक या उससे ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं। हर टेबल को एक खास नाम से पहचाना जाता है, जैसा कि कस्टमर्स की टेबल है या ऑर्डर्स की टेबल है या एम्प्लाइज की टेबल्स हो सकती है। टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स मुश्तमिल होते हैं, मौजूद होते हैं, वो रोज़ की शक्ल में होते हैं जिसमें वो डेटा होती है। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल करेंगे जो बहुत जाना माना सैंपल डेटाबेस है, जो नॉर्थ विंड के नाम से है। उसमें MS एक्सेस की और MS SQL सर्वर की वो डेटाबेस शामिल है। नीचे जो सिलेक्शन दिखाई गई है कस्टमर की टेबल में से वो रिकॉर्ड दिखाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि टोटल 5 रिकॉर्ड्स दिखाए गए। ऊपर जो टेबल है उसमें 5 रिकॉर्ड हैं। हर एक जो रिकॉर्ड आ रहा है वो कस्टमर की टेबल से आ रहा है और उसमें 7 कॉलम हैं। कॉलम ये आप देख रहे हैं कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, ये कॉलम होते हैं और ये हमारी रोज होती हैं। ये जो 1, 2, 3 और कॉलम ऐसे हमारे वर्टिकल होते हैं और हमारी जो रोज होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। सारे जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटाबेस में वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू किए जाते हैं। नीचे दिया गया जो एग्जांपल है वो सिलेक्ट करता है पूरे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स ये टेबल में से। ये मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि डिफरेंट एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। एक बात माइंड में रख लें कि जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स होते हैं वो कैश सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम उनको छोटी एबीसी में भी लिख सकते हैं और हम बड़ी एबीसी में भी लिख सकते हैं। जैसे सिलेक्ट ये स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है और ये सिलेक्ट ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इस ट्यूटोरियल में हम राइट करेंगे सारे जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं वो हम अपर केस यानी बड़ी एबीसी में लिखेंगे। सेमी कॉलन जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बाद दी जाती हैं, क्या वो ज़रूरी हैं? कुछ डेटाबेस सिस्टम्स रिक्वायर करते हैं सेमी कॉलन आखिर में हर एसक्यूएल की स्टेटमेंट के बाद। सेमी कॉलन जो एक स्टैंडर्ड वे होता है वो सेपरेट यानी जुदा करता है हर एसक्यूएल की स्टेटमेंट को डेटाबेस सिस्टम में, जो इजाज़त देता है एक से जायद एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को जो एग्जीक्यूट करना, यानी कि सारी कॉल जो होती है सर्वर से, सेमी कॉलन उसको सेपरेट कर देता है। इस ट्यूटोरियल में हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट के आखिर में। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूजफुल एसक्यूएल की कमांड्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये नीचे जो आप देख रहे हैं। पहली पहली जो होती है सिलेक्ट, ये सारे जो डेटाबेस से रिकॉर्ड होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती है।
उनको लाती है, उनको लेकर आती है। अब डेथ जो कमांड होती है वो डेटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसमें तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल होती है। डिलीट जो कमांड होती है वो डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंसर्ट इनटू, ये जो कमांड है वो डेटाबेस में नया रिकॉर्ड दाखिल करने के लिए यूज होती है। क्रिएट डेटाबेस, ये जो कमांड है वो डेटाबेस नया जो क्रिएट करना होता है हम उसके लिए इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन या उसमें तब्दीली या रीनेम करने के लिए अल्टर किया जाता है। क्रिएट टेबल, जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमें टेबल को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अल्टर टेबल होता है, वही वो टेबल को अल्टर करना होता है, उसमें तब्दीली लाना होता है या उसमें कोई रीनेम या चेंजिंग करनी होती है, तो हम अल्टर टेबल का कमांड इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हम ये क्रिएट इंडेक्स करते हैं ताकि हम कोई सर्च वगैरह की को यूज कर सकें, रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकें। ड्रॉप इंडेक्स, वो उसी इंडेक्स को डिलीट करने के लिए, अपनी असल हालत में लाने के लिए हम ये ड्रॉप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अबाउट द एसक्यूएल सिंटैक्स, डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन और एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जो कैश सेंसिटिव के बारे में कि ये कैंसेस कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, उसको हम छोटी एबीसी और बड़ी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमी कॉलन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या यूजफुल एसक्यूएल की कमांड्स हम इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे उनकी लिस्ट ये आपको मैंने बताई है, समझाई है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल फलक सुमरो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।